क्या नाम तुम्हारा? चुन्नी लाल। मध्य प्रदेश के खरगोन में प्यार में धोखा खाई 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुसाइड नोट में एक युवक और उसकी मां को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर अंजन गांव में 12वीं की नाबालिग छात्रा सपना ने 21 जुलाई को कीटनाशक पी लिया। उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन नाबालिग ने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों का गुस्सा भड़क गया। परिजनों ने नाबालिग छात्रा के पास से मिले सुसाइड नोट में बताया कि युवक और महिला के नाम होने और परेशान करने का जिक्र करने पर केस दर्ज करने की मांग की है। युवती को प्यार में धोखा मिलने पर उसने कीटनाशक पिया और जान दे दी, लेकिन उसके पास मिले सुसाइड नोट में गिरजाबाई और छोटू द्वारा परेशान करना बताया है। परिजनों का आरोप है कि युवती गिरजाबाई के घर गई थी, जहां उसके साथ मारपीट भी की गई है और उसे कीटनाशक पीने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि उक्त मामला जांच में है। भीकनगांव पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या हुआ? मैं सपना धनगर की सिस्टर हूँ। मेरी बहन ने जीआर पीकर सुसाइड किया है। क्यों किया, कोई कारण? ये कारण हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरी बहन को उनके घर बुलाया गया। किसने बुलाया था? गिरजा धनगर ने, उसके बेटे छोटू धनगर ने। उसका रियल नाम है अनिल धनगर। उसको अब वो ये पता हमें नहीं है। हम तो इंदौर रहते हैं, हमको तो नहीं पता। ऐसा बताया भी नहीं गया था कि उसके साथ में ऐसा हुआ है। हमें तो सच्चाई नहीं पता है, पर उसको हमने लेटर में पढ़ा कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। उसको घर बुलाया, उसने लिखा है कि मेरे को घर बुलाया, मुझे मारा, मेरे हाथ में भी, उसके हाथों में भी चोटें हैं, पैरों में भी, पता नहीं उसको क्या मारा, उसकी गर्दन दबाई, क्या किया उसके साथ में, ये तो हमें नहीं पता। इसलिए उसने ऐसा किया और क्या। अब वो लोगों को ये पता नहीं था कि उसको बुलाया गया है? नहीं, ये उसको, वो घर अकेली थी ना, घर तो कोई नहीं था, घर कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। अब उसके साथ में उसने क्या किया, अगर उसने भी पिलाई हो तो ये हमें नहीं पता है। हो सकता है अगर उसने पिलाई हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मतलब, हाँ, घर तो कोई नहीं था और ना हमें वो ये बता पाई कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, क्योंकि हम तो उसको कोई मिले ही नहीं थे। क्या चाहते हो आप लोग? हम यही चाहते हैं कि मेरी बहन को गुनहगारों को फांसी की सजा हो। ये 21 तारीख को भीकनगांव CSC से रेफर होके आई थी लड़की कुमारी सपना, पिता राधेश्याम धनगर, ग्राम अंजन गाँव की। तो यह भर्ती हुई थी, भर्ती के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई आज 23 तारीख को। और अभी जहरीली दवाई पी के आई है, अपने को तहरीर मिली है, उसकी PM कराया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि जो परिवार वाले दूसरे, उन्होंने घर पर बुलाया तो उसके साथ मारपीट की और उसका मतलब एक तरह से बाध्य किया उसको। घटना स्थल अंजन गांव का है, तो वहां की पुलिस जांच करेगी, जैसा होगा वैसा। सुसाइड नोट में भी जिक्र किया है? अभी मेरे पास सुसाइड नोट कुछ नहीं है, और जैसा होगा वो वहां भीकनगांव पुलिस। क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मामला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बता सकते। अभी तो जहरीली दवाई पी के आई है, PM कराया है। मर कायम हुआ? मर कायम हुआ।